बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के सीधी से, जहां लगातार जो है सड़क दुर्घटना के ग्राफ बढ़ रहा है। हालात यह है कि आज जो है बाईपास सीधी SIT कॉलेज के पास जो है एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा भा जोने माँ बाल बाल बच गए ड्राइवर और कलेंजरन की जिंदगी। विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल महाम कनिष तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे ये बेहद बड़ी खबर के कि लगातार सीधी माँ सड़क हादसा के जो है खबर सामने आ रही है। हालात यह है कि रफ्तार के कहर एक प्रमुख वजह बन रही है। यह में एक मामला जो है सीधी के SIT कॉलेज पर के सामने जो है बलकर ट्रक के आमने सामने भिड़ंत हुई गए और जोने माँ बलकर चालक का गंभीर चोट आई है, जिनका जिला चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। हमारे साथ चल रही तस्वीर माँ अपना साफ तौर पर समझ सकी थे देख के कि यह सड़क हादसा कितना गंभीर रहा हुई। जोने माँ खुलेआम एक जो है ट्रक चालक और बलकर के भिड़ंत भय रही, किंतु ये माँ केहू के जान नहीं गई, यह सबसे अच्छी बात रही। और यह पूरे घटना का लेके जब हमारे संवाददाता शिवेन तिवारी के द्वारा ट्रक ड्राइवर से बात की गए तो उनके द्वारा साफ तौर में यह कहा गया कि बलकर वाला गलत साइड से आवर रहा, जौने के तहर जौने के वजह से यह पूरा हादसा भा और यह हादसा माँ केहू के जान नहीं गया है, जो सबसे अच्छी बात ही। किंतु रफ्तार के कहर सही और अच्छी सड़कन माँ देखे को खूब मिली थी, किंतु सीधी माँ लगातार जो है ऐसा घटनाक्रम सामने आ रहे हैं जौने खेतिर प्रशासन और पुलिस का थोका सचेत हो के आवश्यकता ही तेज तर्राट हो के जरूरत ही नहीं था। हादसन माँ लोगन के दी जान गई तो ओकर जिम्मेदार को हुई, सवाल बेहद बड़ा है। सुनील ट्रक ड्राइवर के पूरा बयान आपन और अपने परिवार के रखी बहुत ख्याल, धन्यवाद, प्रणाम। तो मतलब अपने सही साइड से जा जाते रहें। सामने से गाड़ी आ गई, इसके बाद जाके गाड़ी को तो क्लिंजर है अपने के साथ रहा, चोट लगी है? नहीं चोट नहीं लगी किसी को, पहले ही कूद गया है? गाड़ी के साथ तो इसको ये वाले के चोट लगी है? नहीं उसको भी ज़्यादा चोट नहीं लगी। भर्ती है हमें हॉस्पिटल में, हल्का फुल्का कहाँ बस गए जाना बढ़िया से नहीं।